देखिए, ज्योग्राफी की जब स्टडी करते हैं ना, तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जियोग्राफी, जियो का मतलब होता अर्थ या पृथ्वी, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब हुआ अर्थ या पृथ्वी। पृथ्वी का जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होता है ना, ग्राफिकल मतलब आलेखन, आलेखन मतलब जो ग्राफ की तरीके से या लेखनी के रूप में या लेखन के तरीके से ग्राफिकल वे में जो कुछ प्रदर्शित किया गया है, उसका सबका कलेक्शन हमको पढ़ लेना, जो कि 2-3-4 हज़ार साल पहले से जिन लोगों ने बताया है, जितने भी, चाहे एंशियंट टाइम से, चाहे हम ग्रीक की बात करें, रोमन्स की बात करें, इंडियंस की बात करें, किन्हीं की भी ले लीजिए आप, जिन्होंने सबसे पहले से लेकर के जो कुछ भी लिखा है उसका कलेक्टिव मटेरियल, और उसका अध्ययन कर लेना। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते थे हम पृथ्वी का अध्ययन। कौन सा अध्ययन? जो कि हमसे पहले के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया और हमें भी आगे चल करके उसी की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके अध्ययन को, तो हमारा जो पार्ट है वो ये देखने का है कि हम पृथ्वी के अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या शामिल करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है, जियो यानी पृथ्वी का अध्ययन हो गया ना, तो उस इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखना चाहते हैं कि भाई हमारे ये इस पूरे ओवरऑल ज्योग्राफी के इस पार्ट में होता क्या है और सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने के ना, देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो अप्रोच होती है सिस्टमेटिक अप्रोच, एक तो तरीका होता है हमारा क्रमबद्ध तरीका, सिस्टमेटिक अप्रोच, एक तरीका होता है हमारा रीजनल अप्रोच यानी प्रादेशिक तरीका। एक तो हम सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब ये नहीं है कि दूसरा घटिया है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि दो तरीके से हम इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसमें एक तो क्रमबद्ध तरीका वो तरीका होता है, जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट उसको पकड़ना, जब किसी एक कारक को लेकर के संपूर्ण पृथ्वी के प्रदेशों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जब एक सिंगल फैक्टर को लेकर के, कोई भी एक फैक्टर ले लिया, कोई भी फिजिकल फैक्टर ले लिया, कोई भी ह्यूमन फैक्टर ले लिया हमने, ठीक है ना, किसी भी एक फैक्टर को लेकर के होल अर्थ के जो रीजन हैं, प्रदेश हैं, उनके संदर्भ में पढ़ना, उनके रिलेशन में पढ़ना उसको, ठीक है। तो वो हो गया सिस्टमेटिक अप्रोच। दूसरा हो जाता है जब किसी एक रीजन को लेकर के, किसी एक प्रदेश को लेकर के सारे फैक्टर्स उसमें पढ़ लें। कौन से फैक्टर? अभी हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी के फैक्टर्स, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट ये है कि भूगोल को यानी पृथ्वी के इस अध्ययन को दो तरीके से पूरा करते हैं, हमारा सिलेबस कहाँ बिखरेगा उसको ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जब एक किसी एक विशेष कारक को लेकर के, कोई भी एक विशेष कारक, आपने कहा फिजिकल एलिमेंट है ना, यानी भौतिक कारक हैं, या आप ले रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, या आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई फैक्ट हैं, या पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, या कोई भी आपने कल्चर लिया, या आपने जिस भी तरीके से जो जो भी आपके दिमाग में फिजिकल और ह्यूमन साइंस या सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी पार्ट आपको ध्यान आ रहे हैं, उनको अगर आपने संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ा, अगर आपने उसको पूरी पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ा, मतलब आपने चाहे ए कॉन्टिनेंट लिया हो, चाहे बी कॉन्टिनेंट लिया हो, चाहे सी कॉन्टिनेंट लिया हो, सारे कॉन्टिनेंट्स को ले लें, सारे रीजन को ले लें, इंडिया ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, या यूरोप के कोई भी कंट्रीज ले लिए, सभी प्रदेशों के संदर्भ में अगर आपने किसी एक फैक्टर को पढ़ा, तो ये अपने आप में सिस्टमेटिक अप्रोच हुई। फिजिकल ज्योग्राफी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी सिस्टमेटिक अप्रोच है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी सिस्टमेटिक अप्रोच है, किसी एक फैक्टर को लिया आपने, पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी जिसे डेमोग्राफी कह रहे हैं, या जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी या पॉपुलेशन स्टडी कह रहे हैं, वो अपने आप में सिस्टमेटिक ज्योग्राफी हो गई। तो हमने क्या डेफिनेशन ली थी इसकी? इसकी डेफिनेशन ये ली थी, जब किसी एक विशेष कारक को यानी सिंगल स्पेसिफिक फैक्टर को आप वर्ल्ड के सभी, संसार के सभी प्रदेशों के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। अगर हमने एक 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 करके सारे भौगोलिक कारकों को ले लिया, सारे भौगोलिक कारकों को ले लिया, तो फिर हमारा सीधा सीधा सा अध्ययन पूरी पृथ्वी का ज्योग्राफिकल अध्ययन हो जाएगा, भौगोलिक अध्ययन हो जाएगा। वहीं पर अगर एक दूसरा दृष्टिकोण होता है, एक दूसरी अप्रोच होती है, कौन सी अप्रोच? जिसमें यह कहा जाता है कि रीजनल, आपने कहा ना एक प्रदेश को लेकर के, एक रीजन को लेकर के सारे कारक ले लिया आपने यहीं पर, सारे फिजिकल, जैसे भारत का भौतिक प्रदेश, भारत की जलवायु, भारत की कृषि, भारत की जनसंख्या, भारत के उद्योग, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इन सारी चीजों को लेकर के आपने किया, एक एक करके सारे प्रदेशों को ले लिया, तो भी आपका पूरा होल ज्योग्राफी का या पूरे होल अर्थ की ज्योग्राफिकल स्टडी हो गई। एक एक प्रदेश को ले लिया इस तरीके से हुआ, एक एक कारक को ले लिया इस प्रकार से हुआ, तो दोनों तरीके से ज्योग्राफी पढ़ी जाएगी, दोनों प्रकार से यह अपना अध्ययन किया जाएगा। अब हमारे जितने भी सिलेबस हैं,
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी सिलेबस हैं ना, सारे सिलेबस इन दोनों तरीके से हैं। हमारे आरएस में अगर हम उसको थोड़ा सा टारगेट में रख करके करें, ठीक है ना, तो आरएस में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें आपको एक कॉमन सबसे पहला शब्द दिखाई देगा जिसे आप कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिया या राजस्थान के भौतिक विशेषताएं। तीनों अलग अलग प्रकार की बात हो गई ना। जहां पर आपने ये बात की, जहां पर आपने ये वाली बात की कि भारत के भौतिक प्रदेश, तो आप आ गए यहां। भारत की कृषि, भारत की जलवायु, आप आ गए यहां। जब आपने ये बात की कि राजस्थान के, तो आप आ गए यहां। और जब आप कह रहे हैं विश्व के, तो आप आ गए यहां। उसमें पहुंच गए आप यहां पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे सिलेबस में पॉइंट हैं, जब भी आप यह भार ये संसार भर की इन सभी भौतिक विशेषताओं का, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का आप जब अध्ययन करते हैं, इन सारी भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हर सिलेबस में ये कॉमन नाम लिखा होता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर एक छोटा सा वर्ड दे दिया भौतिक विशेषताएं, संसार की भौतिक विशेषताएं, तो ये सबसे बड़ा सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक होता है अपना। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे संसार भर की सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को आपको बताना है, सारी प्रकार की भौतिक विशेषताओं को आपको बताना है, चाहे वो जल थल वायु, यानी चाहे वो लिथोस्फीयर की स्टडी हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर की स्टडी हो, चाहे वह इस प्रकार से एटमॉस्फेयर की स्टडी हो, यानी स्थलमंडल का अध्ययन हो, चाहे वायुमंडल का अध्ययन हो, चाहे जलमंडल का अध्ययन हो, तीनों का अध्ययन। क्यों? क्योंकि फिजिकल एलिमेंट तो वही है ना, जल थल वायु जिसे आप कह रहे हैं, उसको ये पूरा पार्ट हो गया आपका सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का। वहीं पर दूसरा हिस्सा जो सिलेबस अगर हम राजस्थान में रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो राजस्थान से संबंधित एग्जाम्स का, राजस्थान के भूगोल का एक तो पार्ट हमारा ये बनता है प्रादेशिक भूगोल में, जिसमें आप बिल्कुल पहले पार्ट से ही चालू करते हैं, राजस्थान के भौतिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राजस्थान उसकी लेते हैं, फिर राजस्थान के क्लाइमेट, राजस्थान की आप कृषि, राजस्थान का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, एक 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 करके वही बात जो भी हमने प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा में ली थी, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कहीं पर भी किसी भी जगह अगर हम लेते हैं, तो वहां पर आपको यह राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में भारत का भूगोल का भी पार्ट आपको करना पड़ता है, बहुत मेजर पार्ट है, ठीक है ना, बहुत मेजर या मुख्य हिस्सा है, इधर ध्यान रखिए ना। ये जो इस प्रकार का अब दोनों तरीके की बात हो गई ना, संसार भर का अध्ययन और राजस्थान और भारत का अध्ययन। अब जिस इलाके में जिस एसएससी की तैयारी करेंगे, तो हमें इसको नहीं पढ़ना, अगर हमें ये लेकिन इसको पढ़ना है, ये तो सारी जगह पढ़ा जाएगा, चाहे आईएएस की भी तैयारी करेंगे तो वहाँ भी पढ़ा जाएगा, लेकिन आईएएस की तैयारी में ये नहीं पढ़ा जाएगा, आरएस की तैयारी में ये भी पढ़ा जाएगा। डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टेट में हैं, किस राज्य में हैं, तो वहाँ पर ये चेंज हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या पॉइंट निकल करके आया, पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये यहां पर ये बात कहते हैं कि भाई ये जो इस तरीके से भौतिक और जितनी जिन विशेषताओं को हम फिजिकल एलिमेंट के रूप में लेते हैं, तो एक तो पहले बात ये निकल करके आई कि जो हम ज्योग्राफी में फिजिकल एलिमेंट्स की स्टडी लेते हैं, तो इसे ने नॉन अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में इस पर आरोप लगा। नॉन अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में आरोप लगने का मतलब कि भाई आपने बिना मैन के या विदाउट मैन के इसको स्टडी कर रहे हैं, आपने पर्वत, पठार, मैदान, नदियां आदि के बारे में पढ़ लिया, ये कोई भी अध्ययन बिना मानव के किया जा रहा है। बिना मानव का मतलब इसमें मैन सेंट्रलाइज स्टडी नहीं है, ये मानव केंद्रित अध्ययन नहीं है। जब मानव केंद्रित अध्ययन नहीं है, तो मानव ने जब से पढ़ना लिखने का काम शुरू किया है ना, तब से उसके साथ एक क्या समस्या रही है, वो जो उसको डायरेक्ट इफेक्ट डालती है उन्हीं बातों को वो पढ़ता है, उन्हीं बातों को लेकर के वो पढ़ता है। जब उन्हीं बातों को लेकर के पढ़ता है, तो आपने पर्वत, पठार, मैदान आदि की पढ़ाई की या उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें मानव तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए उस पर क्या लगा, उस पर आरोप लगा। किस पर आरोप लगा? भूगोल पढ़ने वाले पर, ज्योग्राफी पढ़ने वाले पर यह आरोप लगा कि आप अव्यवहारिक विषय, नॉन अप्लाइड सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप यहां पर एक सेंटेंस बोलते हैं या एक तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, ओवर यूज ऑफ फिजिकल एलिमेंट इन ज्योग्राफी, यानी भौतिक कारकों को आवश्यकता से अधिक भारण देने के, भारण यानी वेटेज, आप वेटेज दे रहे हैं किसमें, जब आप ज्योग्राफी में ओनली फिजिकल एलिमेंट्स को वेटेज दे रहे हैं, तो फिर इसके रिएक्शन में, इसकी प्रतिक्रिया में, एक भूगोलवेताओं में ही जो इसका रिसर्चर थे या जिनका अध्ययन करता थे, उन लोगों ने इसको अप्लाइड बनाने की सोची। अप्लाइड बनाते ही इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी से, भौतिक भूगोल से आगे बढ़ करके, भौतिक भूगोल से ज्योग्राफी में फिजिकल एलिमेंट की स्टडी से आगे बढ़ते हुए ये पार्ट आ जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी का,
अर्थात मानव भूगोल का, ये जो मानव भूगोल का पार्ट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसका मतलब ये क्या पार्ट है, इसमें ज्योग्राफी तो है ही है और यहाँ पर सोशल साइंस भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और ज्योग्राफी भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि सोशल साइंस नहीं पढ़ी जा रही थी, सोशल साइंस पढ़ी जा रही थी, आर्ट्स के पेपर में सोशल साइंस ही तो है क्या। इकोनॉमिक्स में आप ये आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में आप सामाजिक क्रियाओं को पढ़ते हैं, सारी सामाजिक क्रियाएं, समाज से संबंधित जो एक्शन होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो सारी हम सोशल साइंस में या आर्ट्स के पेपर में तो पढ़ते ही हैं। फिर ज्योग्राफी में अलग से क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी में इन सारी एक्टिविटीज़ को रिलेट कर रहे हैं हम भौगोलिक कारकों के साथ, फिजिकल एलिमेंट के साथ। केवल फिजिकल एलिमेंट पढ़ते हैं तो फिर नेचुरल साइंस हो गई, वो तो प्राकृतिक विज्ञान हो गया। अब प्राकृतिक विज्ञान को और फिर मानवीय कार्यों को सेपरेटली स्टडी की जा रही है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके अब इसे हम कहते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन, कहां पर रह करके मानव अपने समस्त क्रियाकलापों को प्रकृति के साथ जोड़ करके ये सारे कार्य करता है, या प्रकृति किस तरीके से उसको प्रभावित करती है। इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन, ये अप्लाइड पार्ट बन गया ना, क्योंकि अब यहां पर कौन आ गया, अब यहां पर मानव आ गया, अब यहां पर मैन आ गया। अभी तक तो आप बिना मैन के स्टडी कर रहे थे ना, तो फिर इसके अपोजिट कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि इसके रिएक्शन में या इसको और मजबूत करने के लिए एक दूसरी ब्रांच भी हमारी चल पड़ती है, जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। सारी प्रकार की जो अब हमारे सिलेबस में आती हैं, चाहे आपके आरएस के सिलेबस में आप देखेंगे उठा करके, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का दिया हुआ है, ठीक है ना, परिवहन तंत्रों के बारे में दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में दिया हुआ है, औद्योगिक प्रदेश, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, किसके रेफरेंस में, ज्योग्राफी के रेफरेंस में। तो समस्त प्रकार के, एक तो केवल अगर आप जल थल वायु के बारे में अध्ययन करते हैं, लिथोस्फीयर एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की स्टडी करते हैं, तो फिर सीधी सी बात यहां हो जाती है कि वो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और जब आप ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं तो फिर वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो दो तरीके से आपने इसको, इसकी इंट्रोडक्शन को समझा, एक तो नंबर एक ये लिया सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच में हमें किस तरीके से सिलेबस को कवर करके चलना, और एक रीजनल अप्रोच क्या होती है, यानी रीजनल तरीके से कैसे, तो भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, ये इससे रिलेटेड है। इसी प्रकार से, इसी तरीके से हम यहां पर जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं ना, अब सिलेबस के पॉइंट को वापस से देखते हैं, ये धीरे धीरे करके ना हमारे माइंड में चीज आती जाएगी। आप देखना कि अब ज्योग्राफी के अंतर्गत सिलेबस के हिसाब से अगर बिंदुओं को देखते हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई आपने कहा कि हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, अर्थ की स्टडी करनी है, ठीक है ना। अर्थ को डिफाइन किया गया स्फेयर के रूप में, गोले के रूप में, ठीक है, स्फेयर, रिंग और सर्किल, इन तीनों का अंतर भी पता होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है ना। स्फेयर अपने आप में 3D इमेज में होता है, 3D का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई का भाव, ठीक है ना, 3D इमेज, यानी जब हम किसी समतल सतह पर, आपकी कॉपी हो सकती है, बोर्ड हो सकता है, दीवार हो सकती है, बुक हो सकती है, मैं उस सतह पर, उस सरफेस पर जब कुछ हम प्रदर्शित करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ स्केल्टन बनाते हैं, तो वो 2D इमेज होती है, द्विविमीय, द्विविमीय मतलब दो आयामी का मतलब टू डायरेक्शन, दो दिशाओं में प्रसार, लंबाई और चौड़ाई, ये प्रसार होता है, तो ये द्विविमीय प्रसार होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, अर्थात अगर हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई के रूप में आपने इसको दर्शा दिया, ये सर्किल है, ठीक है ना, इसमें ऊंचाई, इसकी मोटाई का कोई महत्व नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब आप पेरिफरी पार्ट ऑफ ए सर्किल की लेते हैं, यानी पेरिफरी पार्ट का मतलब किसी भी वृत्त के, ये तो हो गया वृत्त यानी सर्किल जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है, और जब पेरिफ्री पार्ट ऑफ ए सर्किल यानी किसी वृत्त का बाह्य भाग, उसका परिधीय भाग, सर्कम पार्ट यानी उसका आउटर पार्ट जब लेते हैं, तो ये होता रिंग यानी जिसे आप वलय कह रहे हैं, ये होता वलय, रिंग। तो आप क्या कहते हैं, ये दोनों कहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, ये दोनों फ्लैट सरफेस पे कर रहे हैं, मतलब 2D लंबाई और चौड़ाई पर। लेकिन जब आप इसको इस गोले के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जब आप इसको बॉल के रूप में बताते हैं या ग्लोब के रूप में बताते हैं, तो ये 3D इमेज आ जाती है, त्रिआयामी सतह। तो हम जो अध्ययन कर रहे होते हैं वो इस 3D इमेज का अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब स्फेरिकल या गोलाकार या मंडलाकार पृथ्वी, स्फेरिकल या गोलाकार या मंडलाकार पृथ्वी के ऊपर हमें कौन कौन सी आकृतियां मिलती हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। यहां पर तीन प्रकार की आकृतियां मिलती हैं, तीन तरीके की यहां पर आकृतियां मिलती हैं। नंबर एक तो हम कहते हैं कि गोलाकार पृथ्वी के चारों तरफ एक इस प्रकार का छिलके वाला हिस्सा जिसमें यह ऊपर उठावा भाग या धंसावा भाग होता है, तो
तो इस प्रकार का चारों तरफ का ऐसा जो भाग होता है ये अपने आप में ये उठा हुआ भाग एंटी क्लाइन कहलाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अपनति, उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, अपनति या एंटी क्लाइन। और जो धंसा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं सिनक्लाइन यानी अभिनति, नति का मतलब ढाल, नति का मतलब ढाल, क्लाइन मतलब ढाल, स्लोप, ठीक है ना। तो कौन सा स्लोप, ऊपर उठा हुआ अपनति एंटी क्लाइन और धंसा हुआ अभिनति यानी सिनक्लाइन। तो हम कह रहे हैं कि अपनति और अभिनति का भाग ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अगर हम अर्थ के स्फेयर को, पृथ्वी के इस गोले को अगर ऑरेंज या नारंगी की तरह लें, ऑरेंज या नारंगी की तरह लें, तो उस ऑरेंज या नारंगी के ऊपर का जो छिलका होता है वो छिलका ही अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हो गया, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिलेटेड टू क्रस्ट, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट, ये कहलाता है क्रस्ट। हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं लेकिन आप इसको इसी नाम से ध्यान रखें, टेक्निकल टर्म यही, हिंदी वाले नाम इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट कहलाता है। तो क्रस्ट क्या हुआ, इस ऑरेंज टाइप अर्थ क्या, सबसे अपर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपरी भाग जो छिलका है, इसी छिलके में क्या है, इसी छिलके में अपने यहां पर इस तरीके से ये ऊपर का भाग यहीं पर कॉन्टिनेंट है इसी छिलके में, और यहीं पर जो धसे हुए भाग हैं उनमें जल भर जाता है, ये जल भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। आज से 450 करोड़ साल पहले, जिसे हम करते हैं 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 अरब साल बोल लीजिए, 450 करोड़ साल बोल लीजिए, या 4.5 बिलियन ईयर अगो अगर आप ले लीजिए, तो ऐसी स्थिति में उस टाइम में क्या हुआ कि जब सूर्य से अलग होने वाला पदार्थ, जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, सूर्य से अलग होने वाला, ये सारी चीज़ें हम लेंगे अभी, है ना, एक एक करके, अभी तो हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। सूर्य से अलग होने वाला पदार्थ जो कि गर्म था, हॉट मटेरियल था सूर्य, ठीक है, क्योंकि वो खुद एनर्जी जनरेट कर रहा है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, सभी इस प्रकार के स्टार जो होते हैं वो खुद न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से, फ्यूजन मतलब जुड़ाव, जुड़ाव मतलब संलयन, यानी न्यूक्लियर यानी नाभिक के जुड़ने से यह इस प्रकार से ऊर्जा निर्मित होती है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिक का जुड़ाव कहते हैं, इससे एनर्जी जनरेट होती है। यूनिवर्स के सारे स्टार्स, जिसमें हमारा सूर्य भी स्टार है, सारे स्टार्स में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी जनरेट होती है। तो हमारे सूर्य से जो ऊर्जा बन रही थी, अगर वो पदार्थ, कुछ पदार्थ सूर्य से अलग हो गया, जो पदार्थ अलग हो गया, अगर वो पदार्थ जब सूर्य से अब ऊर्जा नहीं लेगा तो लेयर बाय लेयर ठंडा होने लगता है, परत दर परत रूप में इसमें ठंडे होने की प्रक्रिया, यानी इसमें यह शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठंडे होने की प्रक्रिया में अब ऊपरी भाग में सलवटें पड़ने लगती हैं, जो सिकुड़ने या सलवटें पड़ रही हैं वो कैसे पड़ रही हैं, जब ये पदार्थ ठंडा हो रहा है, क्योंकि अब इसको एनर्जी तो मिल नहीं रही और लेयर बाय लेयर करके ठंडा हो रहा है, इसलिए इस क्रम में केवल अपर मोस्ट पार्ट ही अभी ठंडा हो पाया है, इनर पार्ट जो है अभी प्रॉपर ठंडा हो नहीं पाया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मुख्यतया मेनली हम तीन पार्ट्स में देखते हैं, जिसको आगे चल करके हम इंटीरियर अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट ये है कि ये आपने ऊपर जो सलवटें पड़ी हैं, इसको आपने उठे हुए भाग को, इस छिलके के उभरे हुए भाग को, इसके यहां आपने एंटीक्लाइन कहा, इसे अपनति कहते हैं, या धंसे हुए भाग को जिसे आप अभिनति कहते हैं, सिनक्लाइन कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर लगातार ये जो ठंडी होती हुई पृथ्वी है, ध्यान देना इसको भी, कि लगातार जो ठंडी होती हुई पृथ्वी है, इस ठंडे होने के क्रम में इसमें से गैसियस या वाष्प या भाप निकली, इसे भाप निकली ना, ये भाप अर्थ की ग्रेविटी के कारण से उसके चारों तरफ लिपटी रह गई। ये जो चारों तरफ लिपटी रही है, इस भाप को ही हम आगे चल करके ये कहते हैं कि यही बादलों के रूप में, क्लाउड के रूप में बन करके, ये धीरे धीरे करके हजारों साल में ठंडा होकर के इसने लाखों वर्षों तक वर्षा की, लाखों वर्षों तक वर्षा की, लाखों वर्षों की वर्षा से प्राप्त होने वाला जो जल है वो इस सिनक्लाइन वाले पार्ट में, यानी इस अभिनति वाले भाग में, मतलब गड्ढे वाले भाग में यह इस प्रकार से जल इकट्ठा हो गया। तो ये हिस्सा बन जाता है जलमंडल का, कौन सा हिस्सा बन गया, जलमंडल का, यानी हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर यानी गोला, तो वह भाग जो कि जल का मंडलाकार यानी स्फेरिकल पार्ट है, हाइड्रो आप जल से संबंधित मान रहे हैं और स्फेरिक पार्ट मतलब गोलाकार पृथ्वी यानी स्फेरिकल अर्थ यानी मंडलाकार पृथ्वी के चारों तरफ जल का यह मंडलाकार भाग हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो आपने यहां पर क्या कहा, आपने यहां पर कहा कि इस एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन वाले पार्ट में, इस अभिनति और अपनति वाले भाग में, उठे हुए और धंसे हुए भाग में, इस भाग में एक तो आपने जल मंडल का अध्ययन किया यानी जिसे आप हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं, इसका अध्ययन किया। एक आप यहां पर ये कहते हैं कि जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग जो अपनति कहलाता है, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट बनता है, यानी जो हिस्सा जलमग्न हो गया,
ठीक है ना, वो तो ओशियन पार्ट बन गया, लेकिन जो हिस्सा ऊपर उभरा हुआ रहा वह कॉन्टिनेंट का पार्ट बनता है। धीरे धीरे करके ये करोड़ों साल में कॉन्टिनेंट डेवलप हुए, मतलब मेन पार्ट तो यह है कॉन्टिनेंट का है ही है। जो मेन पार्ट कॉन्टिनेंट का होता है उसके लिए भी एक टर्म ध्यान कर लीजिए, उसके लिए भी एक शब्द ध्यान कर लीजिए, उसे शील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्ड। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि कॉन्टिनेंटल शील्ड। आपने कई बार पढ़ेंगे, आप भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? पेनिनसुलर शील्ड यानी प्रायद्वीपीय शील्ड, भारत की भारतीय प्रायद्वीपीय शील्ड या कैनेडियन शील्ड, इस तरीके से नाम लेंगे। तो शील्ड का मतलब हो गया प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी यह महाद्वीप का प्रारंभिक भाग है, प्रारंभिक भाग या कोर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीपों का जो कोर पार्ट है। कोर मतलब मेन, कोर का मतलब होता केंद्र, कोर का मतलब होता केंद्र। चाहे आम की जो गुठली होगी वो उसका कोर होगा, चाहे पपीते का खाली खोखली भाग खोखला भाग होगा वो कोर होगा, या अर्थ का बीच का जो मटेरियल है वो कोर होगा। तो इसलिए लेयर बाय लेयर कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी वस्तु होती है, पिंड होता है, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो होता है, सबसे केंद्रीय भाग जो होता है वो क्या होता है? कोर होता है। ठीक है ना। अब ये जो कोर वाला हिस्सा है, तो आपने यहां पर यही कहा कि ये जो इस प्रकार से सबसे ऊपर का भाग अंततः है, यहां पर शील्ड का निर्माण ये उठे हुए भाग के रूप में हो रहा है, इसको कोर क्यों कह रहे हैं? इसको कोर इसलिए कह रहे हैं कि ये भाग जो है यहां पर यहां से लगातार यहां जो इरोजनल प्रोसेस हुआ, जिससे अभी आपने कहा ना कि हजारों लाखों वर्षों की वर्षा का जो जल प्राप्त हुआ वो इन उठे हुए भागों से जल को बहा रहा है ना, यानी सरफेस फ्लो हो रहा है, सरफेस फ्लो वाटर की कंडीशन बन रही है, वहां इरोजनल प्रोसेस हुआ ना, फिर कटाव की क्रिया हुई ना। तो कटाव की क्रिया या इरोजनल प्रोसेस जिसे डेनुडेशन कहते हैं, कटाव को क्या बोलते हैं? डेनुडेशन। ठीक है ना। तो जो डेनुडेशनल प्रोसेस होता है या इरोजनल प्रोसेस होता है, इरोजनल प्रोसेस इज पार्ट ऑफ डेनुडेशन, यानी अपरदन की क्रिया अनाच्छादन का ही एक भाग होती है। अनाच्छादन मतलब कटाव। ठीक है। कटाव दो तरीके का होता है, एक तो वेदरिंग प्रोसेस होता है और एक इरोजनल प्रोसेस होता है। ठीक है। वेदरिंग भी कटाव है, मतलब जिसे अपक्षय कहते हैं, अपक्षय भी कटाव है और अपरदन भी कटाव है, लेकिन अपक्षय में कटाव के बाद मलबा वहीं पड़ा रहता है, स्टेशनरी प्रोसेस होता है, यानी मटेरियल यह है यहाँ से स्थानांतरित नहीं होता। ठीक है। और जब वो स्थानांतरित हो जाता है किसके द्वारा? जल बहा ले जाए या हवा उसे उड़ा ले जाए या ग्लेशियर उसको सरका ले जाए, तो ऐसी स्थिति में वो इरोजन कहलाता है। तो आपने क्या कहा? डायनेमिक डेनुडेशनल प्रोसेस इज नोन एज इरोजन, यानी गत्यात्मक प्रकार का कटाव या अनाच्छादन ही अपरदन होता है। ठीक है ना। और जब आप करें कि नहीं स्टेशनरी डेनुडेशनल प्रोसेस, तो फिर वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, मतलब मलबा वही है, एक कठोर चट्टान है वो डिसइंटीग्रेटेड हो गई, यानी टूट करके बिखर गई, लेकिन वहीं पड़ी है, कठोर थी वहीं पड़ी है, अपक्षय है। ठीक है। लेकिन जब इसे जल बहा ले गया, इरोजन है, अपरदन है। तो अपक्षय और अपरदन में केवल गत्यात्मकता का और स्थिरता का, डायनेमिक प्रोसेस और स्टेशनरी प्रोसेस का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो यहां पर हम यही बात कह रहे हैं कि इस अपनतिक भाग से, इस उभरे हुए भाग से, यहां से जब यह कटाव की क्रिया होती है तो यहां पर सेडिमेंटेशन हुआ, यहां के समीपवर्ती इस प्रकार के भागों में यहां पर यह मलबा आकर के जमा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हुआ, इसे निक्षेपण कहते हैं, जमाव कहते हैं। तो यह जमाव वाला पार्ट है ना, आगे चल करके लाखों साल में यह भी हिस्सा किसका बन जाता है? यह भी हिस्सा बन जाता है पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट का, यह भी हिस्सा पार्ट बन गया। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा सेडिमेंटरी रॉक्स का, परतदार चट्टानों का जो हिस्सा बना है, परतदार चट्टानों का सेडिमेंटरी यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जिसे परतों के आधार पर बनने वाली चट्टाने कहते हैं, आप परतों के आधार पर बनने वाली चट्टाने कहते हैं उन चट्टानों को। देखो आप तो रिलैक्स होकर के समझना, पहले लिखने वाली बात जहां पर होगी, जहां जरूरत होगी हम लिख लेंगे, सिलेबस के हिसाब से जब बात करने लगेंगे ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर के चीजों को समझिए आप। आप इसमें प्रेशर में मत आइए कि हमको क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, या जो नहीं लिख रहे हैं उनको ये तनाव हो कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट बात अगर कोई लगती है उसको हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो जहां पर जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी उसको हम लिख लेंगे, अभी तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के समझिए। ठीक है ना। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो इस तरीके से अब जो महाद्वीप का कॉन्टिनेंट का पार्ट बनाना है, इस कॉन्टिनेंट के पार्ट को हम यहाँ पर, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया, इसमें जो बीच का भाग था ये कौन सा था? बीच का भाग वो हिस्सा था जो अपनतिक भाग था, एंटीक्लाइन वाला पार्ट था ना, ये एंटीक्लाइन वाला पार्ट था। ये चूंकि इस ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बन गया, मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यहाँ पर, ये परतदार चट्टानें हैं, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कॉन्टिनेंट का पार्ट है ना। जब ये पूरा का पूरा हिस्सा कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो ऐसी स्थिति में ये पार्ट
इसका कोर पार्ट हो गया ना, इसका मध्यवर्ती भाग हो गया ना, केंद्रीय भाग हो गया ना, इसीलिए तो हमने कहा शील्ड। शील्ड मतलब वह प्रिमिटिव मैटर यानी शुरुआत का हिस्सा जो कि कॉन्टिनेंट का कोर है, कॉन्टिनेंट का मध्यवर्ती भाग है, ठीक है ना। आगे चल करके यह किनारों के वलित पर्वत भी, फोल्डेड माउंटेन भी बन जाते हैं। देखिए इतना ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर कहा कि ये जो अर्थ है स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल अर्थ पे गोलाकार पृथ्वी पर इस प्रकार से स्फेरिकल अर्थ पे यहाँ पर यहीं पर कॉन्टिनेंट है, यहीं पर ओशियन है। इसका मतलब जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है यह स्थल का भाग हो गया ना। कॉन्टिनेंटल पार्ट किसका हिस्सा हो गया? स्थल का। क्योंकि स्फेरिकल अर्थ है, स्फेरिकल अर्थ है या मंडलाकार पृथ्वी है, तो मंडलाकार पृथ्वी जो है, मंडलाकार पृथ्वी जो है वह स्थल मंडल के रूप में हुई ना सबसे ऊपर इसका, जिसे आप कहेंगे स्थल को, स्थल को लिथ कहा जाता है यानी कठोर भाग, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यह लिथोस्फीयर की स्टडी हो गई ना, लिथो और स्फीयर यानी मंडलाकार भाग, यह लिथोस्फीयर की स्टडी हो गई। तो हमने क्या कहा, स्फेरिकल अर्थ या मंडलाकार पृथ्वी के चारों तरफ का वह भाग जो कि पृथ्वी से संबंधित है, यह उठे हुए भाग से संबंधित है, स्थल मंडल का पार्ट कहलाता है। तो यह पार्ट आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। यहीं पर पर्वत, पठार, नदियां, ज्वालामुखी, भूकंप आदि घटनाएं होती हैं, इसलिए स्थल मंडल वाले पार्ट में पाई जाने वाली समस्त भू आकृतियों का, समस्त भू आकृतियों का, भू यानी पृथ्वी अर्थात जियो, और आकृतियां जिसे आप कहते हैं, इसे आप बोलते हैं मॉर्फिक स्ट्रक्चर, इसे आप कहते हैं मॉर्फिक स्ट्रक्चर। तो यह पार्ट बन गया जियो की, मॉर्फिक स्ट्रक्चर की स्टडी, लोजी यानी शास्त्र या विज्ञान, यह हो जाता है जियो मॉर्फोलॉजी। तो लिथोस्फीयर का पार्ट क्या हो गया, जियो मॉर्फोलॉजी की स्टडी हो गई। इसी में आप सारी चीजें, जिसमें आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लेकर के महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, आप माउंटेन बिल्डिंग पढ़ेंगे, आप प्लेटू पढ़ेंगे, आप यहाँ पर रिवर सिस्टम और रिवर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे यानी नदी का अपवाह तंत्र आदि सारी चीजें जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली यह आकृतियां कहलाती हैं, यह भू आकृति विज्ञान के रूप में, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के रूप में माना जाता है, जो कि स्टडी ऑफ द लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर यानी पृथ्वी का गोलाकार सतह पर स्थल का गोलाकार भाग, ये लिथोस्फीयर की स्टडी माना जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से, इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो जल वाला भाग है, इसे यहाँ पर जलमंडल के रूप में, जल वाला भाग कौन सा था, जल वाला भाग वो था जो कि सिनक्लाइन यानी धसाव वाले भाग में लाखों वर्षों की वर्षा का जल भरने से बना है। लाखों वर्षों की जो जल वर्षा हुई उसके कारण से ये जो जल भरा है, उसके कारण से इस गोलाकार मंडलाकार पृथ्वी स्फेरिकल अर्थ के चारों तरफ जो जल का भाग बना उसे आप हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, जिसे महासागरों के अध्ययन के रूप में, ओशियनिक स्टडी के रूप में लेंगे। तो आपने क्या लिया, अर्थ के ऊपर इस अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट है, छिलके वाला हिस्सा है, उसके एंटीक्लाइन पार्ट यह लिथोस्फीयर की स्टडी है, उसका जो सिनक्लाइन पार्ट है जिसमें जल भर गया है वो स्टडी ऑफ द हाइड्रोस्फीयर है, यानी जिसे आप महासागर का अध्ययन कह रहे हैं उसका अध्ययन है, ठीक है ना। ऐसी इसी तरीके से आपने कहा कि जो लगातार यहां से गैसें निकल रही थी, पृथ्वी के लगातार ठंडे होने के क्रम में यहां से जो गैसें निकल रही थी ना, इन गैसों को आप इसे वायु का भाग कहते हैं। तो वायु का वह भाग जो कि एटम के पार्टिकल्स के रूप में यानी अत्यंत महीन कणों के रूप में जो है पृथ्वी के चारों तरफ लिपटा हुआ रह गया, गोलाकार पृथ्वी, मंडलाकार पृथ्वी, स्फेरिकल अर्थ के चारों तरफ जो एटम का पार्ट या जो वायु के कणों का भाग लिपटा हुआ रह जाता है उसे एटमोस्फियर या वायुमंडल का भाग कहते हैं। तो आपने फिजिकल एलिमेंट के रूप में क्या लिया, आपने लिया जल, थल और इसी तरीके से वायु। तो वायु का यह भाग वायुमंडल का पार्ट कहलाता है। तो आपने इस वायुमंडल के पार्ट को या एटमॉस्फेयर वाले भाग को भी यह फिजिकल एलिमेंट के रूप में लिया। फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल एलिमेंट की स्टडी, तो फिजिकल एलिमेंट आते हो गए तीनों, जिसे आपने कहा जल, थल, वायु, इन तीनों को हम यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में कॉमन बात यह होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की भौतिक विशेषताएं, संसार की भौतिक विशेषताएं। अगर संसार की भौतिक विशेषताओं को लेते हैं तो सीधी सी बात हो गई, आपको इन तीनों को पढ़ना ही पड़ेगा, इन तीनों को लेना ही पड़ेगा। अब देखने की बात यह कि इन तीनों में हमारे सिलेबस में क्या है, इनमें भी क्या है, इनमें क्या पूरा का पूरा पर्वतों का व्याख्या है, क्या पूरी की पूरी ज्वालामुखी की व्याख्या है, या अर्थक्विक की या भूकंप की व्याख्या है, क्या क्या किन क्या 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 चीजें दी हुई हैं, इसको पढ़ना। यहां ओशिनोग्राफी में या हाइड्रोस्फीयर की स्टडी में क्या है हमारे पास,
क्या ओशियनिक करंट से हैं या केवल टाइड से हैं, ज्वारभाटा है, देखने की बात यह है। तो हम ये वो लाइट डाल रहे हैं, ये प्रकाश डाल रहे हैं कि ओवरऑल रूम में तो ये मटेरियल है, हमारा काम का कौन कौन सा है, हमारे सिलेबस का कौन कौन सा, उसको एक एक करके उठाते जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ये तीन पार्ट तो आपके किससे रिलेटेड हो गए, ये तीन पार्ट तो यह पृथ्वी के चारों तरफ जो मंडलाकार भाग है उससे संबंधित हो गए। एक जो पार्ट होता है उसको और लोकेशन के हिसाब से, अवस्थिति के हिसाब से, लोकेशन मतलब स्थान के आधार पे, स्थान आपने कहा स्थल, स्थान आपने कहा जल, स्थान आपने कहा वायु, ठीक है ना, यानी स्पेस जिसे आप कह रहे हैं, ये तीन प्रकार के स्थान है। लेकिन इन स्थानों में जहां पर भी इतनी एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यह प्राणवायु है, ठीक है ना, ऑक्सीजन प्राणवायु है। इस ऑक्सीजन की प्राणवायु जहां पर भी तीनों प्रकार के इन रेंजेज में, तीनों प्रकार के इन भागों में जहां पर भी इतनी मात्रा में ऑक्सीजन हो कि यह माइक्रोबैक्टीरिया से लेकर के सूक्ष्म प्रकार के जीव से लेकर के विशालकाय प्रकार का जीव जीवित रह सके, ठीक है ना। वापस से समझना मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो स्थल का भाग हो, चाहे वो जल का भाग हो, चाहे स्थल का भाग हो चाहे जल का भाग हो, ठीक है ना, या इस पृथ्वी के चारों तरफ स्थित इस तरीके से कोई भी वायुमंडल का भाग हो, इसमें ऐसा भाग जहां पे इतनी अप्रोप्रिएट डेंस ऑक्सीजन हो, इतनी अनुकूलतम सघन ऑक्सीजन की मात्रा हो कि कोई भी जीव जीवित रह सके, तो ऐसी स्थिति में इस स्फेरिकल अर्थ या इस गोलाकार पृथ्वी के चारों ओर, इस गोलाकार पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार का भाव जैव वाला भाग हो गया ना, बायो पार्ट हो गया ना, ये जिसमें वायु या जिस प्रकार का जीवन संभव हो सकता है। तो जीवन जो संभव हो सकता है इस स्फेरिकल अर्थ के चारों तरफ, इस गोलाकार या मंडलाकार पृथ्वी के चारों तरफ, वह भाग जहां पर जीवन संभव होता है वो बायोस्फीयर हो गया ना, ये बायोस्फीयर का पार्ट हो गया ना, बायोस्फीयर। तो मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन फेज, देखिए ध्यान देना, ट्रांजिशन फेज ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमोस्फीयर, यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह मिला जुला क्षेत्र, ट्रांजिशन फेज ऑफ द ट्रांजिशन लोकेशन ऑफ द ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमोस्फीयर इज रिलेटेड टू बायोस्फीयर, स्फीयर यानी मंडल, गोलाकार भाग। तो ये जो भाग है इसमें कुछ किलोमीटर की ऊंचाई का, आरएस का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दो तीन बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आता है ये कि बायोस्फीयर की ये मोटाई कितनी है। तो बायोस्फीयर कहां हुआ, 15 से 20 किलोमीटर तो ये ऊंचाई में है जहां पर डेंस ऑक्सीजन है, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन है कि कोई भी जीव जीवित रह सकता है, ठीक है ना। तो ये यहां का जो भाग है, ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में, एक तो 15 से 20 किलोमीटर का यह वायुमंडल का पार्ट हो गया इतनी ऊंचाई का। इसी तरीके से यहां पर चाहे यह गहराई का भाग हो, या चाहे महासागर की गहराई का भाग हो, या चाहे यह महाद्वीप की गहराई वाला भाग हो, 15 से 20 किलोमीटर का यह हिस्सा, 15 से 20 किलोमीटर का डेप्थ वाला भाग, जिसमें महासागर में भी और जिसमें यहां स्थल मंडल वाले भाग में भी, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में यह जो रेंज हुआ इसे 35 किलोमीटर, लगभग 35 किलोमीटर की रेंज मानते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कहां पर, तीनों जगह पर, तीनों जगह पर। आपने कहा ना बार बार, ट्रांजिशन फेज ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल का, वायुमंडल का और स्थल मंडल का वह मिला जुला भाग जो कि किसी भी प्रकार के जीव की जीवन की संभावनाएं उत्पन्न करता है, उस मंडलाकार स्फेरिकल पार्ट को बायोस्फीयर या जैव मंडल का हिस्सा कहते हैं। सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, हमारे आरएस के सिलेबस में मेंशन किया हुआ, और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एनवायरमेंट नाम से मेंशन किया हुआ होता है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित अध्ययन, ये सारा इससे संबंधित अध्ययन माना जाएगा, बायोस्फीयर की स्टडी का पार्ट माना जाएगा। आप धीरे धीरे करके बात पकड़ पा रहे हैं, हमने कहा कि भाई ज्योग्राफी जो कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की तरीके से देखी गई, यानी जब एक एक कारक को लेकर के पढ़ रहे हैं, सिलेबस कहां पर यह दिखाई दे रहा है, सिलेबस का पॉइंट कहां पर दिखाई दे रहा है, तो आपने यहां पर इस चीज को लिया, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने यहां पर, आपने ये बात की, एक तो वर्ल्ड की बात की, एक आपने इंडिया की बात की, एक आपने राजस्थान की बात की, हमने यहां पर ये बात की, देखो ध्यान समझना ना, हम ये कहते हैं कि अगर अगर हम यहां पर यह संपूर्ण, आप देखिए हमारे सिलेबस के हिसाब से, एक तो सीधा सीधा पूरा का पूरा ये संसार के बारे में स्टडी, देखिए यहां से आप देख रहे हैं पूरे संसार के बारे में स्टडी करनी है, और भारत के अगला जो पार्ट है, एक जो पार्ट बनता है अपना,
वो दूसरा हिस्सा आपके तीन पार्ट हैं, हर तरीके के सिलेबस में तीन पार्ट हैं, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है जिसमें आप भारत का हिस्सा, और इसी तरीके से अगर आप ये वाला हिस्सा देखते हैं तो ये राजस्थान का हिस्सा, ये राजस्थान वाला पार्ट, तीन पार्ट हो गए। एक तो पूरा संसार का, अब संसार के बारे में क्या, वही जिसे आपने कहा जल थल वायु, ठीक है, तीनों की स्टडी करनी है। तो इसमें एक तो यहां पर ये बात करने के साथ साथ फिर आपको भारत की बात करनी है, भारत के साथ फिर राजस्थान की बात करनी है, तीनों पार्ट्स को अलग अलग लेकर के देखना। दो पार्ट तो किसके हो गए, दो पार्ट तो रीजनल ज्योग्राफी के हो गए, और एक पार्ट हमारा ये एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें जो चीज ले रहे हैं आपने यहां पर लिया कि भाई ये जो भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में आपने किसको लिया है, भौतिक भूगोल में आपने चार पार्ट ले लिए, जिसमें एक तो आप कह रहे हैं कि स्थल मंडल का अध्ययन अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी, भू आकृतियों का अध्ययन आप कर रहे हैं इसमें, जियोमॉर्फिक स्टडी कर रहे हैं। दूसरे में आप हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल का अध्ययन लेते हैं, जलमंडल जिसे आप ओशियनोग्राफी कहते हैं, ओशियनोग्राफी के रूप में लेते हैं। तीसरा आप यहां पर जिसे स्टडी कर रहे हैं वो वायुमंडल को जलवायु के रूप में लेते हैं, क्लाइमेट के रूप में, जलवायु विज्ञान या जलवायु से संबंधित अध्ययन जिसे क्लाइमेटोलॉजी कह रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से इनसे रिलेटेड एक ऐसा पार्ट जो लोकेशन के हिसाब से फिजिकल एलिमेंट है, लोकेशन के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, तो आप उसको बायो पार्ट मान रहे हैं, विशेषता के आधार पर तो आप उसे जैविक भाग मान रहे हैं ना, जीव का हिस्सा मान रहे हैं, लेकिन अवस्थिति, लोकेशन, अवस्थिति मतलब इन तीनों जगहों पर ही तो है वो, इन तीनों जगहों पर होने के कारण से उसे आप यहां पर बायोस्फीयर या जैव मंडल का पार्ट मानते हैं। अब यहां पर जो आप हिस्सा लेते हैं, देखिए इसमें जो आपको यह पृथ्वी के संदर्भ में जो अध्ययन करना है, उन पृथ्वी के संदर्भ में किए जाने वाले अध्ययन को आपका अध्ययन का विषय हो गया अर्थ। तो आप कहते हैं पृथ्वी पर ने, पृथ्वी पर कितने प्रकार की आकृतियां मिलती हैं, क्योंकि अध्ययन तो हमको भूआकृतियों का ही करना है ना, जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का, पृथ्वी पर कितने प्रकार की आकृतियां मिलती हैं, तो इन आकृतियों को हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो उनका भाई आकृतियां तो केवल तीन ही होती हैं, पृथ्वी पर तीन ही प्रकार की आकृतियां होती हैं, बहुत सिंपल सी, कोनी पहली थी, दूसरी और तीसरी, तीन प्रकार की आकृतियां, जिसे हम प्राथमिक उच्चावच कहते हैं, द्वितीय उच्चावच कहते हैं, और तृतीय उच्चावच कहते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ कहते हैं, और थर्ड ऑर्डर रिलीफ कहते हैं। तो हम कहते हैं कि पृथ्वी पर तीन प्रकार के उच्चावच हैं, तीन प्रकार के उच्चावच मतलब रिलीफ, रिलीफ मतलब ऊंचे उठे या नीचे धसे हुए भाग, ऊंचे उठे या नीचे धसे हुए भाग उच्चावच, ठीक है ना, जिसे रिलीफ कहा जा रहा है। तो तीन प्रकार के रिलीफ हुए ना, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ और थर्ड ऑर्डर रिलीफ, तीन प्रकार के उच्चावच होते हैं। इन तीनों प्रकार के उच्चावचों को, कितना सिंपल सी बात है, अब पहले प्रकार के जो उच्चावच हैं ये होते हैं केवल कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ये होते हैं महाद्वीप और महासागर, ये होते हैं महाद्वीप और महासागर। तो हमारी स्टडी जो कि पृथ्वी की स्टडी है वो शुरू तो यहीं से हो रही है ना, जिसे आप कह रहे हैं कि महाद्वीप और महासागर, तो महाद्वीप और महासागर से शुरू करते हैं हम इसको, ठीक है ना, महाद्वीप और महासागर से शुरू करते हैं, फिर आगे चल करके जो दूसरे प्रकार के उच्चावच हैं, जो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ जिसको कहते हैं, इन सेकेंड ऑर्डर रिलीफ में यहां पर आप लेते हैं जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण से, अंतर्जात बलों के कारण से जो आकृतियां बनती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज, अंतर्जात बल मतलब पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है वो क्या करता है, वो अपना आकार बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना, वो अपना आकार बढ़ाना चाहता है। आकार बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि वो जब मेल्टिंग मटेरियल है तो मेल्टिंग मटेरियल पिघले हुए प्रकार के पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, अपना आकार को एक्सपेंड करना चाहता है। ठोस पदार्थ सिकुड़ता है, पिघला हुआ पदार्थ फैलता है। तो जब आप कह रहे हैं कि अपर मोस्ट पार्ट तो ये ठोस हो रहा है तो वो तो कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ता है, संकुचित होता है, जबकि आंतरिक प्रकार का पदार्थ क्या करता है, फैलता है, फैलता है। इसको आप कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, आयतनी प्रसार। तो जो इंटीरियर मटेरियल है वो तो वॉल्यूम एक्सपेंशन करता है, और जो एक्सटर्नल यानी आउटर पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, तनाव हुआ, एक तो भींच रहा है, एक फैल रहा है। ऐसी स्थिति में जहां पर भी ऊपरी सतह कमजोर होगी ना, जहां पर भी ऊपरी सतह कमजोर होगी उसको तोड़ करके यह आंतरिक भाग बाहर आ जाएगा। ये जो अंदर का भाग, अंदर का पदार्थ बाहर आया, इस प्रोसेस को आप टेक्टोनिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्रोसेस, जिसे आप इंटीरियर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल के रूप में लेते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज, अंतर्जात बल। क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल क्या हुआ?
पृथ्वी के आंतरिक भाग का पदार्थ जो कि पिघला हुआ है वो अपने आकार को बढ़ाना चाहता है, और बढ़ाए हुए आकार को वह जब बाह्य सतह को तोड़ करके बाहर आना चाहता है, ऐसी स्थिति में जब चट्टानें टूटती हैं तो फिर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, इसका मतलब भूकंप आता है, या ये मैग्मा जिसे आप लावा कहते हैं, ठीक है ना, बाहर आने पर लावा है, आंतरिक भाग में मैग्मा है, ठीक है ना, ये जो पिघला हुआ चट्टानों का रूप है ये जब बाहर आता है तो फिर ये ज्वालामुखी कहलाता है। इसके कारण से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। अब ये जो टोपोग्राफी स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृतियां, जो स्थलाकृतियां बन रही हैं, ये स्थलाकृतियां जो हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ कहलाते हैं। तो इसे यहां पर सेकेंड ऑर्डर रिलीफ जो कह रहे हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच का मतलब है एंडोजेनेटिक फोर्सेज जनरेट टोपोग्राफी, अंतर्जात बलों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ठीक है ना। तो एक एक करके हम दूसरी स्थलाकृति की बात कर लेते हैं, जिसमें चाहे पर्वत बनते हो, चाहे पठार बनते हो, चाहे भूकंप होता हो, चाहे ज्वालामुखी होता हो, ये सेकेंड ऑर्डर रिलीफ है या सेकेंड ऑर्डर रिलीफ से संबंधित। तो आपने पृथ्वी के लिथोस्फीयर वाले भाग में जो पार्ट किया है उसमें एक एक करके महाद्वीप और महासागर यहां पढ़ेंगे, जो सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा जीके जीएस में हर तरीके से। ये ऑप्शनल का पार्ट नहीं है, ये आपका जीके का पार्ट होता है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना पड़ेगा। मतलब पहले तो क्या करना है आपको, करना ये हुआ ना कि ये इस आकृति के बारे में पढ़ना, इस आकृति के बारे में पढ़ना, और तीसरे प्रकार की आकृति के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके प्रोसेस को पहले पढ़ेंगे ना, इसके प्रोसेस को पहले पढ़ेंगे, महाद्वीप और महासागर कैसे बने, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कैसे बने हैं, फिर कॉन्टिनेंट ओशियन ये है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं इसके लिए कौन से सिद्धांत काम में आ रहे हैं, इसके लिए जो सिद्धांत काम में आते हैं उनमें मेजर सिलेबस के हिसाब से या हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो जनरली पूछे जाते हैं ज़्यादा डीप में नहीं जा करके, ऐसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक, दूसरी सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। चाहे आईएएस का जीके का पेपर हो, चाहे आरएस के पेपर हो, उनमें सब में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के हों चाहे डिस्क्रिप्टिव के हों, सब जगह पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर तीनों प्रकार की आकृतियां पढ़नी है। तीसरे प्रकार की आकृति कौन सी, जो अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण से जो आकृतियां बन चुकी हैं, कौन सी आकृतियां बनी है, कुछ उठी हुई हैं, कुछ धसी हुई हैं, कुछ उठी हुई हैं, कुछ धसी हुई, अभी हम लिख लेंगे। आपने ये मत समझना कि भाई इतना सारा लंबा सारा ये चल रहा है मटेरियल, तो कौन सा कहाँ पर क्या चीज़ ये है, हमको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम ये बोलते हैं कि तीसरे प्रकार की आकृतियाँ जो कि पहले से बनी हुई आकृतियाँ होती है ना, जो भी पहले से बनी हुई है, चाहे वो ऐसे बनी हुई हो, चाहे ऐसे बनी हो, या हो सकता है इसी तरीके से कोई बनी हुई हो, पहले की बनी हुई आकृतियों पर या तो कटाव होगा या जमाव होगा, ठीक है ना। कटाव का मतलब उठी हुई आकृति पर यह कटाव की प्रक्रिया होगी, और धसी हुई आकृति पर यह मलबा आकर के जम जाएगा, नदियां बहा करके उस मलबे को जमा कर देगी, तो उसे निक्षेपण कहेंगे। कटाव को अनाच्छादन कहा जाता है, कटाव को क्या कहते हैं, अनाच्छादन, डेनुडेशन, डेनुडेशन कहते हैं। डेनुडेशन मतलब जो आच्छादन का मतलब जमाव, आच्छादन का मतलब जमाव, अनाच्छादन का मतलब जमाव का हटना, अनाच्छादन का मतलब क्या हो गया, जमाव का हटना, मतलब आच्छादन जमाव है और अनाच्छादन जमाव का हटना, आवरण अनावरण लेते हैं ना, आवरण अनावरण उसको हटा देना। तो आपने कहा कि अनाच्छादन अर्थात कटाव की क्रिया, कटाव की क्रिया दो तरीके की हुई, अभी आपने बात की ना कि वेदरिंग प्रोसेस और इरोजनल प्रोसेस, अपक्षय की क्रिया और अपरदन की क्रिया। तो कटाव की क्रिया चाहे कैसी भी हो, चाहे स्टेशनरी प्रोसेस हो, चाहे डायनेमिक प्रोसेस हो, चाहे वह स्थिर प्रकार का कटाव हो, चाहे वह गत्यात्मक प्रकार का कटाव, कटाव हुआ मलबा जाकर के और समीप के जलाशय में, सागर में या किसी झील में आकर के डिपॉजिट हो गया, निक्षेपित हो गया, तो कटाव के द्वारा भी, जमाव के द्वारा भी कुछ आकृतियां बनी, जिसे अपरदनात्मक आकृतियां कहेंगे या निक्षेपणात्मक आकृतियां कहेंगे, मतलब इरोजनल टोपोग्राफी कहेंगे या डिपोजिशनल टोपोग्राफी कहेंगे, जमाव मतलब निक्षेपणात्मक और कटाव मतलब इरोजनल, ठीक है ना। तो अब ये जो आकृतियां बनी ना, अपरदन की प्रक्रियाओं के तहत, अपरदन हवा का, अपरदन जल का, अपरदन ग्लेशियर का, किसी का भी हो सकता है अपरदन, ये सब कौन से हैं, ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले कारक हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले कारक हैं, इन कारकों के द्वारा भी आकृतियां बनेंगी, इनके द्वारा जमाव भी होगा और इससे निक्षेपण की आकृतियां बनेंगी, इन समस्त आकृतियों को आप तीसरे प्रकार की आकृति में लेंगे। तो दूसरे में तो क्या लिया आपने, अंतर्जात बलों के द्वारा बनने वाली आकृति, तीसरे में लिया बाह्य बलों के द्वारा बनने वाली आकृति, ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं,
इन्हें एक्सोजेनेटिक फोर्सेज कहते हैं। तो आपने कहा कि सबसे पहले जो आकृति बनती है, आरएस में दो तीन बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ क्या हुए, कॉन्टिनेंटल ओशियन, महासागर और महाद्वीप जो सबसे पहले बन जाते हैं, पहली आकृतियां बन जाती हैं, फिर उसके बाद उन इस पृथ्वी की बनी हुई आकृति पर आंतरिक बलों के कारण से बनने वाली आकृतियां, ठीक है ना, वो चाहे नहीं कुछ भी आकृति हो, कोई भी आकृति बन रही हो, वह आकृति यह अंतर्जात बलों के कारण से बन रही हो तो वह सेकेंड ऑर्डर रिलीफ में आती है। देखिए यहां पर इसलिए मैं केवल डेफिनेशन ले रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं ले रहा दूसरे और तीसरे का। मान लीजिए ये इस तरीके का, मान लीजिए यहां से इस ऊंचा उठा हुआ भाग है, यहां से ये नदियां बह रही हैं, ठीक है ना, और यहां से बहते हुए इसने कटाव शुरू कर दिया, इरोजनल प्रोसेस शुरू कर दिया। इरोजनल प्रोसेस या कटाव करने के कारण से अब ये हिस्सा धीरे धीरे करके कटने लगा, ये हिस्सा यहां से ये कटने लगा और अंततः ये हिस्सा कट करके और इस प्रकार से निर्मित हो गया। तो अब जब यह हिस्सा इस प्रकार से निर्मित हुआ तो यह जो भाग बना, ऐसी स्थिति में अब यह प्लेटू टाइप बन गया ना, पठारी हिस्सा बन गया ना। अब यह कभी यह ऊंचा उठा हुआ भाग था, ठीक है, अब यह पठार बना। अब यह पठार बना किससे बना, यह पठार बना कटाव से, कटाव मतलब डेनुडेशन से, मतलब थर्ड ऑर्डर रिलीफ, मतलब तृतीय श्रेणी का उच्चावच। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप चाहे इस पठार को यहां थर्ड ऑर्डर रिलीफ से मान रहे हो क्योंकि यह डेनुडेशन या कटाव के कारण से बना हुआ पठार है, लेकिन ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में अगर अंतर्जात बलों के कारण से ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, परतदार चट्टाने, यानी सेडिमेंटेशन यानी मलबे के जमाव से लेयर बाय लेयर ये प्रेशर जब पड़ता है, यह जलाशय वाले क्षेत्र में मलबा आकर के जब परतदर परत रूप में जमा होता है, तो ऐसी स्थिति में वह अब जब कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो परतदर परत रूप में जमने के कारण से परतदार चट्टाने कहते हैं, ठीक है ना। अब इन परतदार चट्टानों में यह अंतर्जात बल जो होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो होते हैं, वो अगर मान लीजिए इस प्रकार से प्रभावी हों, अंतर्जात बल इसमें इस प्रकार से प्रभावी हों, जिसे आप कहते हैं हॉरिजेंटल कंप्रेसिव फोर्स या हॉरिजेंटल कन्वर्जन फोर्स के रूप में काम करें, क्षैतिजीय अभिसरण के बलों के रूप में काम करें, किस रूप में काम करें, क्षैतिजीय हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल क्षैतिज किसको कहते हैं, हॉरिजेंटल या क्षैतिज कहते हैं जो धरातल होता है उसके समानांतर, कोई भी धरातल जो भाग है, पृथ्वी का धरातलीय भाग, पृथ्वी का धरातलीय जो भाग है उसके पैरेलल जो भाग होता है उसको आप हॉरिजेंटल कहते हैं, इसके वर्टिकुलर जो इसके लंबवत जो भाग होता है उसे वर्टिकल या इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, लंबवत भाग कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा कि पृथ्वी के समानांतर यानी जो क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजेंटली कन्वर्जन, कन्वर्जन अभिसरण एक दूसरे की ओर आना, जब यह अंतर्जात बलों के कारण से यहां पर इन चट्टानी परतों में इस प्रकार का यह हॉरिजेंटल कन्वर्जन फोर्स जनरेट होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह कभी कभी ने इस प्रकार की जो चट्टानी परतें होती हैं ना, ये मुड़ करके ऊंची उठ जाती हैं। मान लीजिए यह इस प्रकार से मुड़ करके ऊंची उठ गई, जब यह मुड़ करके ऊंची उठ गई तो यह पर्वत बन गया ना, यहां पर इस प्रकार से, इस तरीके से यहां पर एक पर्वत श्रेणी बन गई, ठीक है ना, और लगातार हॉरिजेंटल कन्वर्जन फोर्स जारी रहा तो ये यहां पर फिर से एक और यहां पर ये भाग ऊंचा उठ गया, तो ये दो इस प्रकार की पर्वत श्रेणियां परस्पर समानांतर बन गई ना, पैरेलल बन गई, दो प्रकार की पर्वत श्रेणियां माउंटेन रेंज ये परस्पर पैरेलल बन गई ना। अब लगातार ये बल जारी रहा तो बीच वाला भाग भी, मान लीजिए बीच वाला भाग भी ऊंचा उठा, लेकिन वो इतना ऊंचा नहीं उठ पाया, जब ये ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाया है तो ऐसी स्थिति में यह भाग यहां से सतह से तो ऊपर उठ गया, लेकिन यह भाग अब यहां पर पठारी रूप में बन गया, ये दोनों पर्वतों के बीच में पठारी रूप में मीडियन मास के रूप में बना है। मीडियन मास मतलब मध्य का पिंड, मास मतलब पिंड, मीडियन यानी मध्य का, किसके मध्य का है, दो पर्वत श्रेणियों के मध्य का ऊंचा उठा हुआ भाग, ये मीडियन मास कहला रहा है। लेकिन इस मीडियन मास का निर्माण कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, एंडोजेनेटिक फोर्सेज की वजह से हुआ, यानी यहां पर भी यह पठार बना लेकिन अंतर्जात बलों की वजह से बना, सेकंड ऑर्डर रिलीफ, जब कटाव के तरीके से बना तो थर्ड ऑर्डर रिलीफ, तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तो डिपेंड यह करता है कि यह बना कैसे है, क्या बना है वो नहीं, बना किससे है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ तो महाद्वीप महासागर हो गए, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिलीफ में आप सीधा सीधा सा अंतर्जात बल द्वितीय श्रेणी के उच्चावच यानी सेकंड ऑर्डर रिलीफ या थर्ड ऑर्डर रिलीफ के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप यहां पर इनकी स्टडी कर रहे हैं, इसमें मोटा मोटा जो भाव आपको समझ में आया वो अभी तक ये समझ में आया है
देखिए एक 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 करके इन पॉइंट्स को अब आप थोड़ा सा लिख लीजिए, जिससे आपको ये आइडिया भी रह जाए, ठीक है ना। लिखिए आप शीर्षक डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का परिचय। हाँ लिखिए, भूगोल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है जो कि, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है जो कि गोलाकार या स्फेरिकल, जो कि गोलाकार रूप में होती है, जो कि गोलाकार रूप में होती है। प्राचीन काल से वर्तमान तक, प्राचीन काल से वर्तमान तक, एंशिएंट टू मॉडर्न और प्रेजेंट, प्रेजेंट प्राचीन काल से वर्तमान तक पृथ्वी के इस भौगोलिक अध्ययन को, पृथ्वी के इस भौगोलिक अध्ययन को दो भिन्न दृष्टिकोणों से, डिफरेंट अप्रोचेज, दो भिन्न दृष्टिकोणों से पढ़ा गया। दो भिन्न दृष्टिकोणों से पढ़ा गया, ठीक है। डैश करके पहला लिखे, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अप्रोच। दूसरा लिखिए, प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच, रीजनल प्रादेशिक। प्रादेशिक उपागम, ठीक है।